आगे ये इलस्ट्रेशन है, इसमें हमें बताया गया कि एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, जब उसमें कुछ ऐसे कमियां हैं वो भी बताने की कोशिश की गई है। वाइल एवरेजेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, जैसे कि जो एवरेज निकालते हैं यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके एवरेज इनकम निकालते हैं, तो दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, उसमें भी बहुत सारे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो छुपाई गई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज, दो देशों का हम कंपेरिजन करते हैं ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको सिंपल बनाने के लिए, वी हैव अज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली फाइव सिटीजन्स ईच, दो देश हैं उनमें दोनों में पाँच पाँच नागरिक रहते हैं। बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ दी कंट्रीज, तो ए कंट्री जो है ए बंदा एक बंदे की जितनी इतनी सभी की अलग अलग इनकम दी हुई है, तो इसके एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और बटा फाइव करेंगे। यहाँ पर चार बंदे जो हैं बी कंट्री के, चार बंदे जो हैं उनकी इनकम 500 ही है और एक बंदे की अकेले की इनकम 48,000 है। तो अब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये 9,000 है, 10,000 है, ये बन गया 20,000 और ये 19 और 39,800 आ गया, और इसमें 10,000 और प्लस कर लिया तो ये 50,000 हो गया, ठीक है। और ये लगभग ये भी 48,000 और 2,000 ये है, 4 का 500 का 4 हो गया 2,000, इसका भी एवरेज 50,000 ही है, ठीक है, इसकी भी 50,000 है। तो यू विल इक्वली हैप्पी टू लिव इन द बोथ दीज कंट्रीज आर बोथ इक्वली डिवेल्पड, दोनों इक्वली डिवेल्पड हैं, परहैप सेम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर अश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन, बट इफ इट इज लॉटरी दैट डिसाइड्स अवर सिटीजनशिप नंबर देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन कंट्री ए, अगर इन चारों में से आप कोई बंदे हो तो आप यहाँ पर बी में नहीं रहना चाहेंगे, और अगर ये सारे इनकम में से ए कंट्री का जितने भी सिटीजन हैं सभी की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 के लगभग है तो वहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे। इवन दो बोथ दी कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, इनकी एवरेज इनकम समान है, तो कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बराबर है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि सभी की इनकम बराबर है, जो बी का देश है उसमें चार बंदों की जो इनकम है वो कम है, बहुत कम है, और एक की बहुत ज़्यादा है, तो जो चार बंदे हैं वो ज़्यादा गरीब हैं, तो वो देश वैसे तो गरीब माना जाएगा, पर इसके लिए एवरेज इनकम का जो पैमाना हमने रखा है वो गलत साबित हो गया। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रिच, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है बाकी सारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, तो एवरेज इनकम हमें ये इस ऐसी एग्जाम्पल से ये बताता है कि एवरेज इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल एक इसमें और भी दी है कि पाँच बंदे हैं चार कुर्सियाँ हैं, तो पाँचों बंदे चार कुर्सियों पर बैठे हैं, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज दैम, हमने चेयर्स बनाई है और हम उन पर बैठे हैं। कंट्री विद रिच एंड पुअर, जो गरीब आदमियों को चार आदमियों को दो चेयर मिली और एक आदमी जो अमीर है वो चार कुर्सियाँ लेके बैठ गया, इसका मतलब है कि जो साधन है उसके पास ज़्यादा है तो अमीर आदमी को फ़ायदा होगा, ये ऐसे नहीं होगा। ओके।